रीवा के श्याम साह मेडिकल कॉलेज के पीछे स्थित मेडिकल कॉलोनी में डॉक्टर का शव मिला है। सूत्रों की माने तो सोमवार सुबह डॉक्टर ने दूधिये के लिए दरवाजा नहीं खोला। अनहोनी की आशंका को लेकर दूध वाले ने आसपास के लोगों को बुलाया, फिर भी दरवाजा नहीं खुला तो अमहिया पुलिस को सूचना दी। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची। यहां टॉयलेट में अर्धनग्न हालत में डॉक्टर मृत हालत में पड़े थे। इसके बाद थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए डॉक्टर के परिजनों को सूचना दी है। फिलहाल SGMH की मर्चुरी में सबको रखवा दिया गया है। अमहिया थाना प्रभारी शिव अग्रवाल ने बताया कि फार्माकोलॉजी विभाग में पदस्थ विभागाध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र राज SS मेडिकल कॉलेज के पीछे बने सरकारी आवास में अकेले रहते थे। उनका परिवार बाहर रहता है। सुबह उनके दूध देने वाले ने पड़ोसी डॉक्टर के माध्यम से थाने को सूचना भिजवाई थी। इसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। फिलहाल डॉक्टर की मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दावा है कि PM रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी परिजनों की मौत की जानकारी देकर सबको संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल की मर्चुरी में रखवा दिया गया है। चिकित्सक के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जानकारी के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने FSL टीम के मौके पर भेजा था, जहां फॉरेंसिक यूनिट ने घटना से संबंधित अहम साक्ष्य जुटाए हैं। बता दें कि 4 दिन पहले जूनियर डॉक्टर मुरली प्रसाद साकेत का भी चलते फिरते मौत हो गई थी। 4 दिन में 2 चिकित्सकों की मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरदार न्यूज। हाँ, डॉक्टर कॉलोनी में एक कैंपस के अंदर ही हमारे डीन साहब का फ़ोन आया था मेरे पास। उन्होंने बताया था कि इस तरह से एक डॉक्टर साथी उनके जो बाथरूम में मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उस बात पर से थाना प्रभारी अमैया को निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी अमैया अपने पूरे बल के साथ वहाँ पहुँचे। FSL के अधिकारियों को भी बताया गया, वो भी कर्मचारी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने जाँच कर ली मौके पर और शव को मर्चुरी में अभी रखवा दिया गया है। PM की कार्रवाई और आगे की कार्रवाई, जाँच कार्रवाई सब प्रचलन में है। अभी मौत के संबंध में स्पष्ट तथ्य नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा पता लग रहा है कि कोई दूध वाला जब गया, जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर दूध वाले ने दरवाज़ा खोला तो वो बाथरूम में पड़े हुए थे।